साचा है तेरा दरबार मात। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर, हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है और अभी हम पहुंच चुके हैं पावागढ़ कहे तो ये गुजरात राज्य के पंचमहल ज़िले में ये स्थित है पावागढ़, और यहाँ महाकाली का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। तो चलेंगे आज, तो यहाँ का ये पैसेज है जिस जगह से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से, तो अभी यहाँ से ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो हम चलेंगे जस्ट इधर जो है ये मंदिर की ओर रास्ता है जाने के लिए, तो चलेंगे आगे। तो काफ़ी सारा पब्लिक भी है इधर आ रहा है, तो चलते हैं। इधर काफ़ी कुछ मिल रहा है तो चलते हैं। और काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है पावागढ़ का, ये महाकाली का मंदिर है। और यहाँ से उड़न कठोला भी है जाने के लिए रास्ता है, आगे से चलेंगे। और पैदल भी जा सकते हैं या फिर आपको इधर से खच्चर वगैरह मिलेगा तो वो चलेंगे। तो रास्ता यहाँ से मार्ग है मंदिर के ऊपर जाने के लिए, तो रोपे पथ है वहाँ पे लिखा हुआ, और इधर से उड़न कठोला। तो चलते हैं। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ यहाँ से ये रास्ता है जो कि ये पहाड़ से सीढ़ी होकर आपको चल के जाना पड़ेगा, और ये जो रास्ता है इधर से उड़न कठोला लिफ्ट से आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो है इस मीटर में सिर्फ 1800 सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ी चढ़ के चढ़ना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। और ये यहाँ का पैसेज है जो आपको दिख रहा हो, काफ़ी सारे पब्लिक हैं। और यहाँ से हम चलेंगे उड़न खटोला से, तो यहाँ से उड़न खटोला जाने का रास्ता है और इधर से चलेंगे। फिर देखो लाइन, काफ़ी सारे पब्लिक लगे हुए हैं और हम भी लाइन में हैं। अभी हमने उड़न खटोला के यहाँ फाइनली टिकट ले लिया है, आने जाने का 150 रुपया प्राइस लगा, और फिर चलेंगे आगे। तो आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर भी लाइन लगा हुआ है जाने के लिए आगे, तो वो आपको दिखाएंगे आगे से। इधर काफ़ी भीड़ है, इधर अंदर जाने के लिए देख रहे हो, इधर यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी आगे से जाके। तो चलते हैं। साचा है तेरा दरबार मात। ऊंचा है भवन ऊंचा मंदिर। तो ये है पावागढ़ का रोपवे, और यहाँ से हम टिकट ले लिए हैं और अभी चलेंगे जस्ट इसी बैठ के। और यहाँ देख रहे हो यहाँ से जाने का है, काफ़ी सारा पब्लिक है, तो चलेंगे हम भी। यहाँ से मैंने टिकट लिया, क्यों पैदल इतना आसान नहीं, 1800 सीढ़ी चल के जाना पड़ता है। तो चलते हैं फिर आप। मंदिर के लिए आगे, और इधर आपको दोनों साइड दुकान सब मिल रहा होगा, पूजा का सामान काफ़ी मिलता है इधर, नारियल हुआ चुंदरी ये सब आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ से रोपवे से उतरने के बाद 300 सीढ़ी चल के जाना पड़ता है मंदिर के लिए आगे, तो वो जा रहे हैं हम अभी, तो चलते हैं फिर वो आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ से अभी थोड़ी दूर में हम चल के जाना पड़ता है, जिस जगह पहुँचे हैं इस जगह से थोड़ी दूर मंदिर है, और इस जगह का ये पैसेज है, और इधर से जो है आगे इधर मंदिर जाने का रास्ता है। और जस्ट इसके सामने एक तालाब है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तालाब का जो नाम है वो दूधिया तालाब है। तो ये जो आपको तालाब दिख रहा है ये दूधिया तालाब है, यहाँ पे काफ़ी सारे पब्लिक आते हैं, वो नहा के भी स्नान करके जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो ये तालाब है यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ही, ये तालाब है मंदिर जाने का। आगे जाएंगे और भी इधर काफ़ी सारा दुकान है प्रसादी के लिए, प्रसादी सबका नारियल सब मिलेगा आपको, चुंदरी वगैरह। और आगे अब थोड़ी दूर में मंदिर पहुँचने ही वाले हैं,
और इधर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, दोनों साइड दुकान है इधर भी और जस्ट इधर भी प्रसादी के लिए आपको इधर। और थोड़ी ही देर में अब हम पहुंच जाएंगे जस्ट मंदिर के पास, तो वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है, यहाँ से जस्ट ऊपर होके जाना पड़ेगा सीढ़ी से, थोड़ी ही दूर है, तो आगे चलेंगे फिर दिखाएंगे। यहाँ का ये पैसेज है मंदिर का, जिस जगह पे ये मंदिर है इस जगह का ये पैसेज है, तो इधर से ही होके हम चलेंगे ऊपर। ये पावागढ़ का मंदिर है काली माता। चलते चलते बता दूं, जितनी भी शक्तिपीठ है उन्हें शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि शक्ति माता जब शिव जी की आलोचना से और सम्मान से जब नाराज हो गई थी तो यज्ञ कुंड में वो अपना आहुति दे दी थी, और जब यह शिव जी को पता चला तो वो काफ़ी क्रोधित हुए और उसके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तांडव अगर जारी रहता तो सारी सृष्टि खत्म हो जाती, तो उसे रोकने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उससे शक्ति माता के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह सब धरती पे गिर गए। और जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे उसे शक्तिपीठ कहते हैं, तो उसी में से एक शक्तिपीठ ये भी पावागढ़ है। पावागढ़ का भी कुछ लॉजिक है, यहाँ पे पवन काफ़ी ज़्यादा रहता है इसलिए इस जगह का नाम पावागढ़ रख दिया गया है, और ये गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है ये काली माता का। और अभी हम कुछ ही देर में मंदिर पहुंचने वाले, मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो चलते हैं फिर मंदिर के ऊपर। बस कुछ ही मिनट में अब पहुंच जाएंगे, ये देखो। और यहाँ से भाई देखो उधर का नज़ारा ऐसा है, तो चलते हैं ऊपर फिर आपको मंदिर के ऊपर का दर्शन कराएंगे। ओ उधर से ये है पैदल चल के आने का रास्ता, और मैं जिस रास्ते से अभी आया वो उड़न खटोला से आया, और इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये 1800 सीढ़ी होके चल के आना पड़ता है। तो आगे हम मंदिर के पास पहुंच गए, तो वो आपको अभी दिखाते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मंदिर का मेन गेट है, मंदिर ऊपर हम पहाड़ पे, और यहाँ पे आपको इधर से सीढ़ी होके चल के आना पड़ता है। तो इधर भी एक काली माता का मंदिर है, और ये जो है ये मेन मंदिर है पावागढ़ माता का, काली माता का। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ का ये पैसेज है इधर साइड में, और इधर में भी साइड ही है, तो चलते हैं मंदिर, वो आपको अभी दिखाते हैं। पब्लिक इधर भी है, तो ये मंदिर है। चलो ए जय पावागढ़ वाली माता। तो अभी हम पहुंच गए मंदिर, यहाँ का मंदिर है देखो इस तरफ से, यहाँ का ये सीन है। यही वो मंदिर है पावागढ़ वाली माता का, देख रहे हो पूरा यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। इधर भी मैंने आपको दर्शन करा दिया। ये जो है यही है पावागढ़ का मंदिर, महाकाली मंदिर, ये जो आपको दिख रहा होगा। और आगे चलेंगे तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। इधर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, और ये पैसेज है यहाँ का, इधर पूजा करके मंदिर में इधर बाहर बैठ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ही मेन मंदिर है जो कि पावागढ़ काली माता का मंदिर है, और यहाँ पर आपको दो काउंटर मिलेगा प्रसादी के लिए यहाँ से, और ये यहाँ से आप ले सकते हैं चुनरी वगैरह साड़ी सब इधर कुछ भी। और ये भी यहाँ का है, और ये पीछे का कुछ इस तरह का सीन है। और इधर से जो है सीढ़ी होकर इधर से जाने का रास्ता, अभी जो हम आए वो आने का रास्ता था, ये जाने का रास्ता इधर से, तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का पावागढ़। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इधर, ये लंबी कतार में, ये रास्ता चल के आने वाला रास्ता है मंदिर तक पहुंचने के लिए, सीधे सीधे होके आपको आना पड़ेगा मंदिर।
इधर काफ़ी सारा दुकान है इधर, जो कि प्रसादी सब आपको मिल जाएगा इधर, और यहाँ पे फोटो सब मिलेगा आपको, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खिलौना सब मिल जाएगा इधर छोटे छोटे बच्चों के लिए। इधर से जाने का ये रास्ता है, इधर से काफ़ी सारे पब्लिक उधर से आते भी हैं, तो इधर से जाने का ये रास्ता है, और दोनों साइड जो आपको है दुकान मिलेगा, काफ़ी सारा दुकान है इधर, प्रसादी का है, खिलौना का है, काफ़ी कुछ चीज़ का आपका दुकान इधर मिल जाएगा रास्ते में दोनों साइड। तो चलते हैं फिर। ये लोकेशन है, इधर से आगे से जाना पड़ता है सीढ़ी से होके आगे, फिर आपको वहाँ से मंदिर की पथ यात्रा उधर आगे से है, और ये यहाँ का बस स्टॉपेज है, काफ़ी सारा बाइक सब गाड़ी सब यहाँ से आपको मिलेगा बड़ोदरा जाने के लिए। तो चलते हैं अब यहाँ से, हम बस पकड़ते हैं तो आप सबको फिर आगे दिखाते हैं। सो गाइज, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से मैं घूम लिया, तो जय पावागढ़ वाली, और यहाँ से बस पकड़ेंगे, अब चलेंगे बड़ोदरा के लिए। तो यहाँ काफ़ी सारा बस लगा हुआ है, तो इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये स्टैंड है यहाँ का, इधर से आपको काफ़ी छोटी छोटी बस मिल जाएगा, जो कि बड़ोदरा के लिए बस मिलेंगे और गाड़ी मिलेंगे। तो चलते हैं अब यहीं पर।